सुरक्षित एवं दुर्घटना रहित यातायात संबंधी जागरूकता के उद्देश्य से नगरीय यातायात पुलिस भोपाल द्वारा यातायात जागरूकता अभियान राजधानी भोपाल में चलाया गया, जिसका समापन कार्यक्रम आज मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरिनारायणचारी मिश्र, पुलिस उपायुक्त भोपाल अनुराग शर्मा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल पद विलोचन शुक्ला, पुलिस उपायुक्त यातायात रामजी श्रीवास्तव, पुलिस उपायुक्त जोन वन श्रुति कीर्ति सोमवंशी, पुलिस उपायुक्त अपराध श्रद्धा तिवारी, पुलिस उपायुक्त जोन टू एल कोचिंग क्लासेस शहर के प्रमुख विद्यालय एवं संबंधी अन्य विभाग, विभिन्न समाज सेवी एवं जागरूकता अभियान में सहयोग करने वाले संस्था प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस आयुक्त भोपाल द्वारा अपने संबोधन में कहा कि अधिकांश दो पहिया युवा वहां चलकर हेलमेट का उपयोग नहीं करने से दुर्घटना का शिकार होते हैं। कार्यक्रम में अतिरिक्त सभी छात्रों एवं अन्य अतिरिक्त गण मान्य नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने तथा यातायात नियमों के प्रति अपनी संस्था अन्य लोगों को पालन करने हेतु प्रेरित करने का अनुरोध किया। सड़क सुरक्षा जागरूकता पखवाड़े का समापन हुआ, इसमें खासतौर पर 15 दिनों के जो कार्यक्रम थे उसमें बहुत सारे युवाओं को जोड़ा गया, खासतौर पर स्कूल कॉलेजेज और उनके जुड़े हुए विभिन्न जो संगठन हैं उनसे जोड़ करके कला सृजनात्मकता के जो बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं, चाहे चित्रकला हो, चाहे संगीत हो, चाहे नुक्कड़ नाटक हो, चाहे लेखन हो, चाहे इलोक्यूशन हो, सभी माध्यमों से युवाओं को आमंत्रित किया गया कि वे अपने सृजनात्मकता को अभिव्यक्त करें, खासतौर पर सड़क सुरक्षा के संदर्भ में, और इसमें बढ़ चढ़कर युवाओं ने भाग लिया। उनकी सृजनात्मकता को आज पुरस्कृत किया गया, इसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने, उनके खासतौर पर स्कूल के जो प्रबंधन है उससे जुड़े हुए शिक्षक और प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों ने, ट्रैफिक के यातायात से जुड़े हुए पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इससे जुड़े हुए जो बहुत सारे पहलू थे उस पर चर्चा की गई और खासतौर पर युवाओं से आह्वान किया गया कि जिस तरीके से इसकी भयावहता बढ़ रही है और इसको लेकर के न सिर्फ स्वयं जागरूक हों बल्कि अपने आसपास के परिवेश को भी जागरूक करें। वाहन चेकिंग के दौरान रॉन्ग साइड से गाड़ियां जा रही हैं, इसके लिए बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो कारण हैं, उन कारणों के बारे में भी चर्चा की गई। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हम सबको पता है और उन चीज़ों के बारे में हम शायद बहुत उन्हें गंभीरता से नहीं लेते और इस कारण दुर्घटनाएं हो सकता है 8-10 दिन तक ना घटें, लेकिन एक दिन जब घटना घटती है तो पूरी हमारी जिंदगी के सारे जो प्लान्स हैं और सारी योजनाओं पर भारी पड़ती है। इसलिए उसकी गंभीरता को, भयावहता को बताते हुए आज की इस जो सेमिनार था, जो पखवाड़ा था, इसमें चर्चा की गई और इस समापन समारोह में उन लोगों को खासतौर पर पुरस्कृत किया गया जिन्होंने पिछले 15 दिनों में अपनी सक्रिय भूमिकारी रेखांकित की। बार बार चेकिंग अभियान चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं और लोग वैसे ही ड्रिंकिंग, इसमें कई कारण, दो तीन जो महत्वपूर्ण कारण है उसमें ड्रिंक एंड ड्राइव भी है महत्वपूर्ण कारण, उसमें ओवर स्पीडिंग भी है, इसमें मोबाइल पर वाहन चलाना, ये ऐसे कारण हैं जो हम सबको पता है और कई बार लापरवाही के कारण इन घटनाएं घट जाती हैं, तो उनको लेकर के पुलिस जागरूकता फैला रही है, कोशिश कर रही है, उसमें इन्फोर्समेंट के अंतर्गत कार्रवाइयां भी हो रही हैं और पूरी कोशिश है कि लोगों के दिनचर्या का यह हिस्सा बने। स्टूडेंट्स और कॉलेजेस से भी अपील की गई कि वो अपनी पाठ्यक्रम में न सिर्फ इसका हिस्सा बनाए बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व का अंग बनाए ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं में हम कमी ला सकें।